भाई मेरी गाड़ी ने ले ली हवा, दिमाग खराब कर दी इन्होंने, तेल मांग रहा हूँ, तेल मांग रहा हूँ भाई, दे नहीं रहे यार। तो गाइस देखो ऐसी क्लिंडरी करनी पड़ती रास्ते में, देखो मेरी वजह से हो रहा है भाई जो भी हो रहा है। मोनू भाई दौड़ो मत ज्यादा, आराम से चलो। जल्दबाजी में कोई नहीं है तो दोस्तों ऐसा ही रोड है यार, बहुत खराब है। गाइस इतना ठंडा पानी है ना कसम से, गुड मॉर्निंग कारगिल एपिसोड नंबर 2 में उस्ताद लाइफ। ये देख लो ये मोनू चोर है, अभी तक सोया हुआ अंदर, देखो इसको नींद आ रही है तगड़े शहर से। मेरी बिलो स्टार्ट है, निशु भाई भी सोए, यहाँ देखो घोड़े बेच के, ये देखो ओ लाला, ओ लाला आ जाओ बाहर, हाथ मुंह धो लो, बर्फ वाला पानी बढ़िया वाला। देखो गाइस अपनी चारों बिल्लो साथ में है और व्यू देखो भाई यहाँ का, काफी देर से स्टार्ट ही रखा हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती भाई, तो गाड़ी को थोड़ा देर तक स्टार्ट रखना पड़ेगा यहाँ। बाकी पहले ट्रिप का देखते हैं यार गाड़ी में क्या क्या कैसे कैसे होता ना। निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ आगे चेक पोस्ट बताएंगे आपको, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ होके कैसे कैसा रास्ता है तो आपको भी दिखाते हैं। मैं तो जा रहा हूँ पहली बार। अपने सारे ड्राइवर भाई बैठे हैं भाई यहाँ, देखो गाइस बहुत दिन हो गए इनको यार, इनको बोल रहे कि 1 तारीख को छोड़ेंगे बेचारे, 5 दिन से यहीं बैठे हुए हैं। क्या सीनरी है गाइस देखो, फिर हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो पहुंच चुके हैं लेक की वादियों में। सुबह चाहे गर्मा गर्म चाय, वाह 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 वाह, ठीक ठाक है, ऐसे भीड़ के साथ ऐसी चाय पिए कभी? दोस्तों गिदड़ों की तरह धूप सेक रहे हम यहाँ से, बस यहाँ से जाते भाई ले, ठीक है यहाँ से जाते कारगिल। व्यू देखो दोस्तों, यहाँ से जाना मैं, यहाँ से जाते भाई ले को। मेरे को 3 दिन से जुकाम था ना, तो बस नाक में दर्द हुई, थोड़ी सी दवाई मैंने डाली हुई है, फिर अभी हमने चाय वगैरह पी ली, खाना तो वो रहेगी, अगर टाइमिंग सही नहीं रही तो वापसी नहीं होगी मेरी अच्छे से, तो ज़्यादा दूर भी अब तो 143 किलोमीटर है यहाँ से कटापा। तो चलो अभी हमारी एंट्री हो रही है यहाँ पर इस चेक पोस्ट पर, अभी छोड़ेंगे यहाँ से, तो 1x1 एंट्री हो रही है, 2 गाड़ी मारी गई, 2 बज गई हमें यहाँ, तो मैं जा रहा हूँ 20-20 मिनट बाद छोड़ रहे ना। तो गाइस फाइनली मेरी एंट्री हो चुकी है और मैं निकल पड़ा हूँ भाइयों पदम की, और देख सकते हैं आप गाइस यार क्या फीलिंग है, यहीं से ही पहली बार जा रहा हूँ भाई यहाँ से आगे पदम है भाइयों अपना 143 किलोमीटर। गाड़ियाँ हो चुकी है कट्टा, देख सकते हैं आप, अब निकल गए हम, मोनू भाई आगे निकल गया, अब राम राम से चलते गाइस, तो मिलते रहेंगे आपसे फुल पावर। भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार, फीलिंग आ रही बहुत अच्छी कसम से यार। तो सबसे पहले दियार HP पुलिस को सल्यूट है यार, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं भाई यहाँ पर, प्यार से और आराम से भेजते हैं भाई, गैप बना के भेजते हैं। दोस्तों सारी गाड़ियाँ चलिए लाइन में, देख लो ऊपर से लेकर नीचे तक गाइस, कवर अप। पहला खराब पॉइंट गाइस, और ऊपर देखो ग्लेशियर, जंप जंप बचा के क्योंकि गाड़ी को भाई सॉफ्ट चलाना, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट, गाड़ी बोलेगी भाई नहीं यार ये बंदा है, बहुत केयर करता मेरी भैया, ऐसा बोले गाड़ी। दोस्तों यहाँ की बर्फ देखो भी नहीं पिघली है, पर यार रोड यार बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का, व्यू आप देख ही सकते हैं यहाँ, बस एक ही चीज मिल गई आपको व्यू, कुछ कुछ पॉइंट रोड के खराब भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है रोड खराब, खराब भी है रोड, देख ही सकते हो आप, पत्थर ही पत्थर, मतलब
ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अच्छा ही है, रोड खराब भी है, रोड अच्छा भी है, पर गाड़ी चलाने का बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा, बहुत ही ज्यादा। तो गाइज एक चीज याद रखना, जो भी बंदे यहाँ पदम कुआर है, लाहौल स्पीति, बर्फीले इलाकों में जाते हैं ना, जरूर से चश्मा रखना अपने साथ गाइज, क्योंकि मैंने यहाँ नोटिस किया कि आंखों में जो वाइट वाइट मतलब जो सफेद बिल्कुल दिख रहा है ना बर्फ का, देखो ये जो चीज दिख रही है ना आपको, इसी तो आंखों में चुभ रही है। और इससे क्या हो सकता है कि अगर आपने रात को फिर से गाड़ी चलानी तो रात को आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, ऐसा होगा। अगर आपको आप आते हो पदम कोई भी तो भाई जरूर एक चश्मा साथ में रखें, बहुत रिलैक्स फील होगा भाई इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों जितना आगे जा रहे हैं टॉप टॉप ही आता जा रहा है, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ यार, कसम से भाई बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को। मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ गाइस, यस आप सभी भी इंजॉय ये देखिएगा। इस हमारे दोस्त लोग चले हैं फुल पावर, सारे भाई यार अपने टिप्पर वाले सारे भाई चले हुए हैं, मजा आ रहा है यार कसम से, सारे साथ में चले, एक साथ चले, इकट्ठा चले, ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई दिक्कत आती है तो सारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की। गुरजी का ऑर्डर हो चुका है कि पहला गियर डालो, मैंने बोला ठीक है गुरुदेव, माल आपकी पहला गियर पड़ेगा, तो जैसा गुरुदेव बोलेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि भाई मार से बड़े, इनको बहुत एक्सपीरियंस है गाड़ी का, तो मैं इनसे पास नहीं लेता, इनके पीछे चलता हूँ निशु भाई के, क्योंकि यहाँ गाड़ी टेम्परेचर उठाएगी, और अगर एकदम चढ़ाई पे आप गियर पाओगे तो गाड़ी बहुत नुकसान करती भाई, इससे अच्छा कि आप आराम से चलो। ये देखो भाई टेम्परेचर की क्या बीमारी बन रही है, पर ये तो शुक्र करो भाई टेम्परेचर इतना उठा रही है, पर ये है कि आयुष की गाड़ी का ऑटोमेटिक फैन है, सीधा डाउन, ऊपर डाउन, ऊपर नीचे हो रहा है, अप डाउन भाई, ये फायदा आयुष की गाड़ी का। तब बोलते हैं सारे हमारे को कि आयुष क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं हम आयुष, ऐसी चढ़ाई अगर 100 किलोमीटर की भी होगी ना भाई, गाड़ी के भी टेम्परेचर नहीं उठाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। एक बात का खास ख्याल रखना दोस्तों, ऐसे में आप जाते हो ना पानी प्रॉपर पीते रहना है, 10-10, 15-15 मिनट बाद मतलब एक दो घूट, ठीक है, उससे क्या आपकी तबीयत खराब नहीं होती, पानी कंटिन्यू पेशाब आ जाए चाहे बार बार कोई दिक्कत नहीं है, पानी पियो। अब जैसे पूरे दिन का सफर है, कम से कम 3 लीटर पानी पीना पड़ेगा आपको एक दिन का। बर्फ के बिल्कुल बीचों बीच गाइस, बर्फ के बिल्कुल बीचों बीच भी हम बस जस्ट मतलब कि टॉप क्रॉस होने ही वाला है, थोड़ा सा रहेगा, पर यार मेरा तेल ही खत्म होने वाला है, रात को पेट्रोल पंप बंद था ना। यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पर जब भी आते हैं ना मतलब कैनियाँ लेनी पड़ती है तेल की, मैंने 80 लीटर डीजल डाला हुआ पीछे रखे भाई, ये पड़ा हुआ, चलो देखते हैं कहाँ जैसे भाई रुकेगा के लिए, चलो निशु भाई ना वहाँ पर, निशु भाई रुकेंगे वहीं पर ही डालेंगे डीजल, पानी वाला रोड गाइस, पानी वाला, तो निशु भाई बोलते कि ऐसे पॉइंट है रोड में मतलब बीच बीच में, मतलब ऐसे ही रोड आता रहेगा बस, 2-3 पॉइंट है वो थोड़े ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस, बाकी देख लो आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पानी तो होगा ही इस करके। दोस्तों यहाँ पर फिर से टॉप आता हुआ बर्फीली वादियाँ, बर्फ ही बर्फ, यार मेरा तेल खत्म हो गया, निशु भाई रुक नहीं रहे यार, पाइप इन के वहाँ है। दोस्तों नदी है यहाँ पर, वो नदी पता कहाँ चली है, वो चलिए ग्लेशियर के नीचे से, ग्लेशियर के अंदर अंदर से ये नदी, बहुत ही बर्फ है, और बात है बाहर है बिल्कुल ही -डिग्री टेम्परेचर, तभी मैं शीशा ज़्यादा ओपन नहीं कर रहा हूँ, शीशा मैंने डाउन ही रखा है, मतलब शीशा मैंने बंद ही रखा हुआ है, वीडियो जब बना रहा हूँ तभी डाउन कर रहा हूँ बस, नहीं तो यहाँ की ठंडी हवा लग गई ना सर को, बंदा गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर सिग्नल नहीं है, पीछे देखो लाइन लगी, लाइन बिल्कुल, यहाँ पर एक बाइक वाला है नया नया ना, उससे बाइक ही नहीं चलाई जा रही है यहाँ जी भाई, बिल्कुल परफेक्ट बंदा, बिल्कुल परफेक्ट, तभी वो कुछ कर सकता है यहाँ, नहीं तो टायरों में कट कैसे बचाने हैं। चलो कोशिश तो सारे करते, बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि बिल्कुल नया बंदा यहाँ ना आए तो ही बेहतर है। अब जाए गाइस
दोस्तों, अब जितना आगे मैं जा रहा हूँ ना, उतना बर्फ ही बर्फ हो रहा स्टार्ट, मतलब ज्यादा हो रहा बर्फ, और रोड उतना मतलब कम कम होता जा रहा है। जितना रोड कम हो रहा है उतनी ज्यादा बर्फ आ रही है। और पीछे देखो भाई, सारे गैंग मेंबर पीछे चले हुए हैं। जिस जिसने चश्मा नहीं लगाया, देखो निश भाई की आंखें कैसी बंद हो रही, देखो बात करते करते ऐसा हो रहा है यहाँ। दोस्तों टॉप ही टॉप आ रहा है, पता नहीं अब यार सही रोड कब आएगा, कब पहुंचेंगे यार। गाइस तेल डलवाना था यार, ये आगे वाला भाई मेरा रुक ही नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ एक सीन हो रहा है, जैसे आप चढ़ाई पर, अगर आप सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, अगर आपने एक्सीलेटर हल्का सा भी छोड़ दिया ना, सारा मोशन खत्म। जैसे देखो अभी मैंने छोड़ा था, बच गया बच गया। चल 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 चल, बिलो बिलो बिलो, तेल पता नहीं कहाँ जैसे होगा खत्म है। निशु भाई ना कसम से करा देगा, गेम बजा देगा आज। मैं बोल रहा हूँ इसको भाई, रुक जा यार, डलवा देते हैं, जाम लग जाएगा फिर पूरी तरह यहाँ पर। ऐसा मतलब पुलिस वालों ने एक चीज ठीक की है कि मतलब एक दिन जाना ही जाना, रात को भी जाना ही जाना, एक दिन और रात आना ही आना। गाइस यहाँ पर खोचा हो चुका है, मेरी गाड़ी ने ले ली हवा, मेरे दोस्त मन ही नहीं रहे थे यार, दिमाग खराब कर दी इन्होंने, तेल मांग रहा हूँ भाई, दे नहीं रहे यार। दरअसल पाइप नहीं है मेरे वहाँ, अपनी टैंकी निकालो आप छोटी, ये पाइप बड़ी है ऊपर से हो जाएगा, नहीं तब आपकी छोटी क्या नहीं वो निकालते। निशु भाई कहाँ है, और मार मार के थका जा, तेल मुक्का मैं गिरी एकदम गड्डी बंद, माँ कसम मारो। यहाँ देखो यार मेरी वजह से कितना जाम लग गया यार, गाइस यहाँ से देखो पीछे तक यार मेरी वजह से हो गया जो भी है। तो गाइस देखो ऐसी क्लिंडरी करनी पड़ती रास्ते में, देखो मेरी वजह से हो रहा है भाई जो भी हो रहा है, इसका दोषी मैं हूँ यार। रुको, चलो 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 चलो, बस 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 एक की डालनी है, आपने भी डालनी, निकालो तब मैं ले ऊपर पाइप। भाई आप करो इनकी हेल्प ना, बस ऊपर है पाइप, बस भाई 5 मिनट पे। अच्छा दौड़ना नहीं यहाँ ज्यादा, मोनू भाई दौड़ो मत ज्यादा, आराम से चलो, दौड़ो मत ज्यादा, स्लिम लिया बोला पाइप फिर। और भाई जी दूर ऊपर, बस 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 जितनी के नीचे गाड़ी के साथ रखियो, हम दो रुक सकते थे वहां तक जहाँ जिस किसी पास लिया है, तब से बोल रहा हूँ उसको मैं कर रहा मरवा दिया। अब ये रुका नहीं चले गया, वो आ रही है मेरे मोड में, मारा झटका मैं लाऊं और मारा रुक 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 आगे 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 लाइट मारने की तो और नहीं, इन गड्डी में दफना ही देंदा रहा भाई जी, बंद हो गए बस जान दे ये बात ले शुरू में नोट्स के चक दिया का टंकी जा मैं बोलूंगा ना रुकड़े को वहां टंकी छोटी है ना मंगवाई थी थोड़ा बोला रख पैर टंकी छोटी वो आ रहा भाई क्या बोला था मैं पहले गिर पे हूं मैं और कहां कुछ होगा टेम्परेचर नहीं चकती ना हल्की जी, 200 से ऊपर RPM होगा, अगर 200 RPM होगा टेम्परेचर चकती जाता है।
वही ना पंखा चलता टेम्परेचर ही नहीं उठता बस यही है साथ में ये टॉप है आगे ना यहाँ से फिर मैं लगाऊं यहाँ साइड ना तुम तेल वाले निकलो और आगे दोस्तों बहुत तगड़ी ट्रेजडी हो गई यार कसम से यार मीशू भाई यार क्या करते हो यार मैंने पहले बोला उनको यार नीचे डलवाओ नीचे क्योंकि पता क्या होता है नई गाड़ी ना ज़्यादा तेल खाएगी पर इस टाइम देखो दिमाग काम करना चाहिए एकदम से मैंने गाड़ी बंद की जैसे मेरे को पैडल लगा ना पैडल बिल्कुल जीरो हो गया मैंने उसी टाइम गाड़ी बंद और गाड़ी देखो हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई तब बोलते दोस्तों नॉलेज होना भी ज़रूरी है पर ऐसे कि अपने सारे टिप्पर वाले भाई चले हुए तो हमने दिया गेटा यार सब मेहनत की यार भाई कसम से ये होती भाई ड्राइवर लाइफ पता आपको बोले ड्राइवर बंदा हर जगह हेल्प करता है ड्राइवरों की तो करता ही है कोई कार वाला भी तो उसकी भी करेगा तो चलो गाइस अब टॉप पे मिलते हैं वहाँ पर जाके अपना दुखड़ा सुनाते हैं आपको बाय बाय तभी बोलते दोस्तों ड्राइवर भाइयों एकता बनाए रखो बहुत काम आती है देखो भाई मैं किसी ड्राइवर के बारे में गलत नहीं बोलता कभी अब जाके खुला दोस्तों सारा जाम देखो नीचे से भी आ रहे हैं नीचे वाले बंदे नीचे फंसे यार गाइस वो अभी तक आए नहीं दोस्तों अकेले तो यहाँ आना ही नहीं अकेले बंदा नहीं यहाँ आ ही सकता भाई फंस जाएगा बुरी तरह पैकअप ही हो जाएगा बंदे का यहाँ जो बंदा अकेला आ गया वो गया भाई रोड भी काफ़ी डेंजरस है टायर टूर पंचर हो जाए तो अकेले बंदे से कुछ नहीं होगा यहाँ बर्फ के पहाड़ गाइस बर्फ से लदे हुए पहाड़ सच कहूं तो यार जन्नत तो भाई यही है पर यहाँ पर जीना मतलब असंभव है असंभव और मेरे को चक्कर चक्कर भी आने लगे ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया मेरा यार गाइस ग्लेशियर नाम सुना था भाई आज पहली बार देखे भी है ऐसे होते ग्लेशियर दोस्तों तो हम श्रृंखला टॉप पहुंच चुके हैं श्रृंखला टॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है गोल्ड बॉय ऑन टॉप एकदम 104 किलोमीटर ए अपने सारे गैंग मेंबर गाइस यहाँ पर फुल ऑन मतलब गेड़े गेड़े में देखो भाई यहाँ अभी 1 2 3 4 अभी पीछे से आएगी 5-10 गाड़ियाँ और फिर जो भाई हम खलारा पाएंगे मोटा ही फुल पावर बड़ा मजा आ रहा दोस्तों बस यहाँ पर एक चीज़ करनी है आपने पूरे पर चल रहे आप आराम से चलना है अगर आप आराम से नहीं चलोगे यहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है अभी सिम भी बंद है यहाँ पर थोड़ी देर बाद मेरा सिग्नल भी आ जाएगा वन बाई वन ट्रक वाले आ रहे हैं तो मैं उनकी वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर रील डालने के काम आ जाएगी चलो मेरी वजह से फंसे थे बेचारे अच्छा लगेगा यार उनको भी तो भाई यहाँ देखिए आपका क्या मन कर रहा है यहाँ मन कर रहा भाई छलांग मार दूँ यहाँ डूब जाऊँ यहाँ पर जिंदगी है भाई यहाँ यार जिंदगी में ना एक बार यहाँ जमीन जगह लूँगा यार कमा कमा के ना फिर यहाँ घर बनाऊँगा अच्छा बड़ा चश्मा और टोपू और गर्म कपड़े इस टाइम यहाँ पर भाई गर्मी ही लग रही है मतलब धूप जो है धूप का प्रेशर बहुत है बट हमने जैकेट नहीं उतारनी है सेफली काम करना है ठीक है मोनू चेला आता हुआ हेलो गाइस ये अपने उस्ताद आते हुए जिन्होंने मुझे डीजल दिया और ये सारे भाई लोग आते हुए जिन्होंने अपनी हेल्प की भाई रुके यार यहाँ पर कोऑपरेट करने वाले लोग आते हैं यहाँ भाई कसम से यार ऐसा कोई आदमी नहीं जो कोऑपरेट नहीं कर रहा आगे कोई फंस रहा है तो पीछे वाला कोऑपरेट कर रहा है जल्दबाजी में कोई नहीं है ये चीज़ होनी चाहिए कोऑपरेट एक दूसरे को कोऑपरेट बाइक वो इतनी लेट ब्रेक मार दा तू यार इतने नूर तक तू ठोक देगा किससे भी यार दोस्तों यहाँ पर डाल रहे हैं डीजल
तो बस ये डीजल ही है, उसको डाल रहे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। बस यहाँ पर मैंने जितना आपको बताया आराम से बिल्कुल, ये है चेले, बंदों से नहीं देने काम करने, ये चीज तेरे को नॉलेज देगी मारा कुछ नहीं जाएगा, ये चीज रख ले ध्यान, तू ये काम करेगा ना इससे मार को कोई फायदा नहीं है, इससे तेरे को फायदा भाई, मार को नहीं फायदा, हमने सीख लिया काम, ये देख ले तू, तेरे को मौका मिल गया, चार चार गड्डिया मिली है, सीख नॉलेज ले, तेरे को फायदा मिलेगा, चूसना था तेल, हाँ ये भी सीखना पड़ता है। ओके तो गाइस कालू भाई ये मेरे पीछे पीछे चले और ये देख रहे सारी गाड़ी का, बहुत हेल्पफुल है भाई। ओके 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 तो सब गाड़ियों में तेल हो गया, इसमें फुल टैंक होगी, इसमें फुल टैंक होगी, इसमें फुल टैंक होगी, उसकी फुल टैंक है। ये बंदा भाई रुका ही नहीं मेरे को यार, इस बंदे ने आज रास्ते में धोखा दे दिया यार। और मैंने देखो पिछले लाइन मैंने कितनी तारीफ की इसकी, देखो दोस्त गाइस ये बंदा बोल रहा है इसको कि ये रुका नहीं, जैसे ही दूसरे बंदे की गाड़ी में तेल लगा डाले इस बंदे ने अपनी गाड़ी में काकू गोल्ड ऑफिशियल, इस बंदे ने अपनी गाड़ी में तेल डाला और सीधा निकल, रोजी कसम मैंने बोला जब हम फंसे ना, जब तेल डल गया मैंने चार गड्डिया और खड़ी है, क्यों अपने पीछे कोई परेशान क्यों करना, अरे जब मैंने आगे। तो गाइस साथ में चलने का ये फायदा होता है, देखो एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, और तो कुछ नहीं है, तो बस चलो अब। तो दोस्तों ऐसा ही रोड है यार, बहुत खराब है, मतलब बस पहला और दूसरा गियर टल रहा है बस। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ा आगे, तो यहाँ से निकालते प्यार प्यार से, देखो फर्स्ट और सेकंड ही गियर पड़ रहा है भाई, ऐसी पहाड़ी है, पहाड़ है बर्फ की पहाड़ भाई, इधर उधर बस। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, फर्स्ट ही गियर लग रहा है, और पता नहीं देखो हमारे साथी कहाँ पहुँचे, आगे तो यहाँ की ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता हूँ भाई, तो बस धीरे धीरे चलेंगे। दोस्तों टॉप से पूरी डाउन उतर चुके हैं हम, अब हम डाउन फ्लोर पे आ चुके हैं, टॉप से आए हम श्रृंखला टॉप, तो भी प्लेन है, 1.5-2 किलोमीटर पर है, तो वहाँ जैसे से है पक्का रोड शायद, फिर शायद चढ़ाई भी है, तो यहाँ बर्फ ही रहती है यार 12 महीने का इस साल, कैसी जम गई है बर्फ, बहुत ही ख़राब रोड है, तगड़ा ही ऑफ रोड है गाइज। दोस्तों डेंजर रोड खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल बढ़िया रोड है, सुनने में सारा, मतलब एक टाटा सुमो वाला भाई मिला था रास्ते में, उसको पूछा था मैंने, बाकी देखते हैं कितना क्या है, रोड सही है गलत है कैसा है, जाना तो पड़ेगा भाई, काम तो करना है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब भाई NH-21, अब बिल्कुल भी खराब रोड नहीं है, बर्फ देखो भाई यार वारा, ये तो कमानिया कराई है, तू भी करा ले भाई, ब्रेक डाउन हो सकता तू कभी भी यहाँ। गाइस यार बिल्लो अपनी बहुत अच्छी है, बहुत साथ दिया बिल्लो ने, बहुत ज्यादा साथ दिया अपनी डार्लिंग ने भाई, फुल पावर, बड़ा मजा आ रहा दोस्तों, बड़ा भारी मजा आ रहा है, ओ मां तू रुड़ा मां, ओए भाई ये भाई जोनी रोई पोटी चली पोटी यो मां पोटी चली ले, वार दौड़ा में दोस्तों ध्यान रखना हमेशा दौड़ना नहीं। ए भाई अपनी चार बढ़िया चौकड़ा चला भाई चौकड़ा, व्यू चेक आउट करो गाइस, जन्नत में गाइस, जन्नत में, अगर बारिश पड़ गई तो मन्नत भी हो सकता है यहाँ। तो गाइस व्यू बताना यार गाइस एक बार,